Guys, welcome again to Quantifier. So this is a bit detailed analysis of the slot one. I have the information with me in the detail. RC in 4x4, एक RC है, arts पे, एक philosophy पे, एक supernatural powers पे आई थी और एक astrology पे आई थी. There were three para jumbles and there were two fill in the blanks and three para summary questions, right? So ये आपका verbal का overall structure था. DI and verbal was of a moderate level, right? DI other again was a moderate level. A little bit inclined towards difficulty, but moderate level majorly. चार sets आए थे, पांच पांच questions के आए थे आपके पास, ठीक है? जो DILR के चार sets थे अपने, एक था अपना roots and networks पे, जैसे मैंने बताया था, एक gamer tournament था, एक arrangement था, और एक Venn diagram mix type set था. उसके detail नहीं है हमारे पास, तो ये चार set थे आपके पास. जो अपना corn था, that would be moderate level, not a very difficult type. PNC का एक क्वेश्चन था वेरी इजी सा कि आप और 20 चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है लोगों में और सबको और नंबर मिलना चाहिए. एलजेब्रा के 6 क्वेश्चन आए थे, एलजेब्रा डोमिनेटेड 6 क्वेश्चन, मॉड्यूलस मैक्सिमा मिनिमा ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप फंक्शन पे. टीएसडी का एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, बाकी अरिथमेटिक डोमिनेटेड था, ज्योमेट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन इजी क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग विद द बेसिक्स, बेसिक्स के साथ जाना, एग्जाम आपका बेसिक्स पे ही आ रहा है, एग्जाम आपका डिफिकल्ट नहीं आ रहा अभी तक. बी रेडी टू गेट द सरप्राइजेस, दैट इज ऑब्वियसली द डिटेल्ड बात. बट अगर मैं आपको कहूं तो इसको आप थोड़ा मद्देनजर रखिएगा, राइट? थोड़ा सा अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना. पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, सो गो गाइस, ऑल द बेस्ट.